हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएसई स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर के स्टेजेस के बारे में, और ये हम जानने वाले हैं नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के तहत। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप फायर या फिर सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि फायर के स्टेजेस क्या है, तो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो फायर के जो है यहां पर कुल हम चार स्टेजेस देखने वाले हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला स्टेज है वो है इग्निशन का। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट जो है ये साथ में जब ज्वाइन हो जाते हैं और यहां पर जो है जब एक सस्टेन केमिकल रिएक्शन होती है तो यहां पर जो है इग्निशन होता है। अब ये जो स्टेज है यहां पर जो है फायर एक्सटिंग के कारण जो है उस आग को जो है हम इजीली यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि सोफे के ऊपर जो है यहां पर जली हुई जो है वो सिगरेट है, तो इसके कारण जो है ये यहां पर आग लग सकती है। अब ये जो है ये इग्निशन की जो है यहां पर इनिशियल स्टेज है जिसको हम यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद की सेकंड स्टेज है फायर की, वो है ग्रोथ। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि सोफे के ऊपर जो है यहाँ पर जली हुई सिगरेट रहती है। अब ये जो है ये यहाँ पर हीट सोर्स है। अब इनिशियल जो फ्लेम है उसके साथ में जो है यहाँ पर उसको अगर एडिशनल यहाँ पर फ्यूल अगर मिल जाता है तो ये यहाँ पर इग्नाइट कर देता है। तो यहाँ पर जो है कन्वेक्शन और रेडिएशन के कारण जो है यहाँ पर ज्यादा जो सर्फेस है ये यहाँ पर इग्नाइट हो जाता है। अब फायर का जो साइज है वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाता है और फिर बाद में जो है वो सीलिंग तक पहुंचता है। अब यहां पर हॉट गैसेस जो है वो सीलिंग के पास में जो है कलेक्ट हो जाती है और वहां पर हीट जो है वो ट्रांसफर करती है, जिसके कारण सभी जो फ्यूल्स है उस रूम का उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसके नजदीक में जो है वो आ जाता है, जिसके कारण जो है ये यहां पर इग्नाइट हो जाता है। जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि जली हुई जो सिगरेट है उसके कारण जो है यहाँ पर आग जो है वो धीरे धीरे फैलती गई और उसके नजदीक में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल या फिर जो एडिशनल फ्यूल उसको मिलता गया तो उसकी वजह से जो है वो आग और भी जो है यहाँ पर ग्रोथ होती रही। फिर उसके बाद की फायर की स्टेज है वो है फुल्ली डेवलप, यानी कि पूरी तरह से जो है आग यहाँ पर विकसित हो जाती है और यहाँ पर आग जो है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर फैल जाती है और उसका जो टेम्परेचर है वो उसके पीक पॉइंट पर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी का जो है यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रैपिडली जो है यहाँ पर कंज्यूम होने लगता है। जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आग पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फैल चुकी है और ऑक्सीजन को भी जो है यहाँ पर कंज्यूम किया गया है और इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर उसके पीक पॉइंट तक जो है वो चला गया है और इसी स्टेज को जो है यहाँ पर आग की जो है फुल्ली डेवलप जो है वो स्टेज कहा जाता है। फिर उसके बाद की फायर की लास्ट स्टेज है वो है डिके। तो यहाँ पर आग जो है वो जो भी अवेलेबल जो भी यहाँ पर फ्यूल है उसको जो है खा जाती है, तापमान जो है यहाँ पर कम हो जाता है और आग भी जो है यहाँ पर कम तीव्र हो जाती है। जैसा कि आप इमेज के माध्यम से जो है यहाँ पर देख सकते हो कि बचा हुआ जो फ्यूल है उसको जो है यहाँ पर आग जो है वो कंज्यूम करने लगती है, टेम्परेचर जो है यहाँ पर डिक्रीज हो गया है और फायर जो है यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी यहाँ पर कम हो गई है। तो इस तरीके से जो है ये चारों स्टेज होती है फायर के जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर के क्या अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।